बॉलीवुड स्पाइर, दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है योगेश असावले जी। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाइर में। थैंक यू सो मच। योगेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी रही डांस दिखाने की वो बहुत ही इनक्रेडिबल रही, छोटी रही लेकिन सबने बहुत एंजॉय किया आपके सारे परफॉर्मेंसेस को। तो मेरा ये जर्नी का एक्सपीरियंस बहुत ही ऑसम था, बहुत बढ़िया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने माधुरी मैम, धर्मेश सर और तुषार सर को देखा, उनके साथ बात की, उनको मिला, तो मेरे लिए ये काइंड ऑफ ड्रीम, मेरा सपने जैसा था। हर डांसर का एक सपना रहता है कि एक बार जिंदगी में रियली और इतने बड़े मंच पे जाना, और डांसर जो है अपने धर्मेश सर, माधुरी मैम और तुषार सर, इन जैसे ब्रांड जो बेहतरीन डांसर है उनके साथ बात करना, ये एक मेरा ड्रीम था, वो भी मेरा ड्रीम पूरा हुआ। और बहुत से मतलब वहां पे मैंने टोटल 10 एपिसोड किए, 10 एपिसोड में बहुत अच्छा मुझे सीखने को भी मिला और बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले वहां पे, सब डांस दीवाने टीम की जो टीम है, प्रोडक्शन टीम है, सभी बेहतरीन तरह से हमें बहुत हेल्प करते थे। सब मेरे लिए नया था, पर ऐसे मतलब वहां पे जाके महसूस नहीं होने दिया कि मेरे लिए ये सब फर्स्ट टाइम है। बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, ऐसे नहीं कि अगर मैं होटल में काम कर रहा हूँ उसके वजह से कोई मुझसे अच्छे तरह से बात नहीं करता, सब मिलजुल कर रहते थे, बहुत अच्छे तरह से बात करते थे। तीन जनरेशन थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो दोनों जनरेशन वाले भी हमको बहुत रिस्पेक्ट देते थे, ये बहुत अच्छी बात थी, और हमें नया नया सिखाते थे, ना कि सिर्फ कोरियोग्राफर, हमारे कंटेस्टेंट भी हमें बहुत सिखाते थे, बहुत अच्छा लग रहा था। जो सारी पहलू आपके रखे गए सामने, ऑडियंस ने काफी ज्यादा कनेक्टेड फील किया आपसे, तो ऐसे में जो एविक्शन हुआ है वो तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग का है सभी के लिए, लेकिन आपके नजरिए से देखा जाए तो किस तरह का रहा? एक्चुअली जब वहां पे रिहर्सल वगैरह करते थे हम, शुरू शुरू में बहुत डर लगता था, क्योंकि ये एक तो मेरी ये फर्स्ट टाइम जर्नी स्टार्ट हुई थी, मतलब मैं मुंबई कभी गया भी नहीं था, तो इस शो के वजह से मुझे मुंबई जाना जाने मिला और अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर्स के साथ काम करना मिला। तो इस जर्नी में मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बोलूँ तो एक तो नई चीजें सीखने को मिली, और दुनिया में ये इंडस्ट्री जो है, ये रियलिटी शो की, ये मैंने बहुत नजदीक से देखी, बहुत अच्छे तरह के लोग वहां पे हैं, मतलब जो भी हम सुनते हैं कि यार इंडस्ट्रीज में अच्छे तरह से सिखाया नहीं जाता, या फिर फैसिलिटी होती है, या वो फिर अच्छे अच्छे एक्ट के बारे में बहुत से प्रॉब्लम्स हम मैंने सुने थे अभी तक, पर जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मुझे, ये सब चीजें मतलब जो दुनिया हमें बताती है ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे बहुत अच्छी तरह से हमें हेल्प की जाती है। और एक तो मैं थोड़ा सा गरीब घर का था, तो मुझे अच्छे तरह से मतलब पैसों की बहुत कमी थी उस टाइम पे, मुझे जाने के लिए बहुत लोगों ने भी हेल्प की वहां पे जाने के लिए, और हमारे खुद सर ने मुझे हेल्प की, तो ओवरऑल मुझे वहां पे जाने के बाद एक अलग ही एक्सपीरियंस मिला, बहुत लोग अच्छे से बात करने का और हमें कुछ सीखने का, ऐसे में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। योगेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जैसे ही ये जो बातें सामने आई, इनफैक्ट जब टेलीकास्ट हुआ जो एपिसोड रहा तो उसके बाद ही सोशल मीडिया पर काफी सारी बातें हमें सुनने को मिली, काफी सारी नाराजगी भी फैंस के प्रति हमने देखने को मिली, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद एविक्शन को स्किप कर दिया जाए, एक फेयर और मौका दिया जाए आपको और जो दूसरे कंटेस्टेंट रहे हालांकि उनको भी, तो ऐसे में आपने इसको किस तरह से लिया, कि आपने इसे पॉजिटिवली लिया या आपको भी लगता है कि ये अनफेयर था? यस, एक्चुअली शो के दरमियान हमारे थोड़े कंटेस्टेंट थे जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, वो मतलब एक दो हफ्ते के लिए वो नहीं थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल उनको 14 डेज का क्वारंटाइन किया था। तो उस टाइम पे सेट पे मतलब बहुत खाली खाली लग रहा था, बहुत कंटेस्टेंट नहीं थे, मतलब और ये भगवान की कृपा थी कि एक्चुअली कि उस टाइम पे निगेटिव मैं सभी एपिसोड कर रहा था उसी टाइम पे, पर ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बताओ वहां पे, तो एक जर्नी के टाइम पे हम सब हमारे कंटेस्टेंट को मिस कर रहे थे, और जैसे ही सब वापस पॉजिटिव निगेटिव रिपोर्ट सबकी आई और सब वापस स्टेज पे आए, तो हम सब मिलजुल के बहुत अच्छे तरह से शो चलाने लगे थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करना। जैसे अरुंधति है, बहुत ही टैलेंटेड गर्ल है हमारे सेकेंड जनरेशन में, सभी छोटे बच्चे जो है
वो भी बहुत टैलेंटेड है, तो एक काइंड ऑफ उनके पास एक पॉजिटिव एनर्जी आई कि चलो आप सब एक साथ आए सेट पे, तो एक साथ मिलकर कुछ नया करेंगे। और हमारे यहाँ पे मतलब ऐसे कंपटीशन चल रहा है ऐसे लग नहीं रहा था, तो जैसे कि हम सब मिलके एक शो चला रहे, ऐसे वो एक्सपीरियंस था हमारे। जी बिल्कुल। तो ये श्री हम आपसे जानना चाहेंगे कि हालांकि आप थर्ड जनरेशन से थे और आपकी परफॉर्मेंसेस बहुत ही सटल, बहुत ही पावरफुल रही है, उनके मुकाबले आपका जो परफॉर्मेंस रहा वो आपको दिमाग नहीं था जिसकी वजह से हमें ये एविक्शन आज आपका देखने को मिल रहा है। यस, एक्चुअली थर्ड जनरेशन में मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, ज्यादा थोड़ी मेरी ये जो जर्नी है और आगे तक जाए, क्योंकि मुझे लगता था मैं अकेला ऐसे बंदा था जहाँ मेरे पास दो तीन स्टाइल्स मुझे आते, जैसे पॉपिंग आता है, पॉप में भी मैं अच्छा हूँ, और कंटेम्प्रेरी और इंडियन भरतनाट्यम में मुझे ये चारों फॉर्म मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग थे। पर कैसे रहता है एक्चुअली कि कभी कभी हमारे स्टाइल के अंदर हमें एक्ट नहीं मिल पाते, तो थोड़ा सा उसके वजह से हमारे डांसिंग लेवल कभी कभी कम हो जाता है। पर जैसे मैंने देखा है वहां पे सब मतलब थर्ड जनरेशन में सूचना है, पल्लवी है और जमुना बहन है, ये सब एक्चुअली बहुत अच्छे डांसर है। सूचना भी अपने स्टाइल में बहुत माहिर है, और पल्लवी मैम तो पहले से ही एक बैकग्राउंड डांसर, उनकी जर्नी रही है, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत अच्छा डांस करते हैं वो। पर लास्ट में थोड़ा सा जब मेरे प्रॉपर्टीज के साथ मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस कम था, इसलिए एलिमिनेशन राउंड पे थोड़ा प्रॉपर्टीज का मेरे साथ गलत इस्तेमाल हुआ, मतलब मैं अच्छे से वो प्रॉपर्टी हैंडल नहीं कर पाया, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आल्सो मेरा एलिमिनेशन हो गया। जी तो योगेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो जजेस हैं वो हर तरह से हमेशा से प्रेरित करते रहे हैं हर एक कंटेस्टेंट को, आपकी किस तरह से बॉन्ड रही है? हमने देखा कि आपको भी काफी बार ही अप्रिशिएट किया गया है, तो ऐसे में जो सारे जजेस रहे, नौरा, धर्मेश, प्रशांत, तो ऐसे में इनके साथ आपकी किस तरह से बॉन्ड रही और सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको क्या कुछ मिला? एक्चुअली सभी जजेस बहुत अच्छे थे, जैसे कि धर्मेश सर के पास से मुझे एक कमेंट मिली थी कि यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट इन थर्ड जनरेशन, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ था, मतलब बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे कि धर्मेश सर के पास से अपने हमें ऐसी कमेंट मिल जाए। और तुषार सर जो है वो एक्चुअली उनका थोड़ा सा डांसिंग स्टाइल अलग है, पर वो बहुत ही रिलेट करता है मेरे इंडियन से, भरतनाट्यम फॉर्म से, तो जब भी मैं परफॉर्मेंस देता था उनके मेरे लिए कमेंट्स अच्छे रहते थे कि मेरे बॉडी पोस्चर्स अच्छे हैं, मेरे जो अगर मैं कोई भी मुद्रा या फिर ऐसे हाथ भी स्ट्रेट कर दूं तो मैं ऐसे मतलब बड़े बड़े स्टेप्स लगते हैं। और माधुरी मैम को एक्चुअली सब डांसर्स के बदले में मेरे जो बॉडी पोस्चर्स और मेरा जो स्पीड था वो उनको बहुत पसंद रहता था। और जैसे ही थोड़े दिन धर्मेश सर शो में नहीं थे जजिंग के लिए, तो पुनीत सर आ गए, पुनीत सर और शक्ति मैम, और उस टाइम पे मैंने कंटेम्प्रेरी परफॉर्म किया था, पुनीत सर को भी बहुत अच्छा लगा था, वहां पे मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी, और मेरे ऑडिशन में भी तीनों जजेस ने मुझे स्टैंडिंग दी थी। तो पुनीत सर के बारे में बताऊँ तो फिर पुनीत सर मेरे बहुत फेवरेट है, बहुत पसंद है मुझे, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है, और मतलब और ये मेरा ड्रीम भी था कि मैं पुनीत सर को एक बार तो मिलूँ। और जिस दिन पुनीत सर सेट पे आए, शूट चालू था, शूट के दौरान खुद पुनीत सर ने बोला कि यार जब मैं योगेश जी को देखता हूँ ना तो काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी मिलती है हमें, तो ये मेरे लिए बहुत सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट थी कि अगर मैं शो जीतू या नहीं जीतू इसका कुछ मुझे ये नहीं पड़ता था, पर जजेस के पास से हमको एक अच्छा अच्छी कमेंट मिले, एक अच्छा इंसान वो कहे हमें, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है जिंदगी। और नोरा मैम भी मिले, बहुत ही स्वीट है वो, बहुत अच्छे तरह से मुझे हेल्प करते थे, और जब भी ब्रेक टाइम मिलता था तब तो कंटेस्टेंट एरिया में आके हमसे बात करते थे, तो ये बहुत ही अच्छी बात थी हमारे लिए। और बड़े लोगों को हम इतने नजदीक से देख रहे हैं और अच्छे से बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता था वहां। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी उम्मीद है आपको वाइल्ड कार्ड से? एक्चुअली जब से एलिमिनेशन हुआ है मैं तब से वाइल्ड कार्ड एंट्री के बारे में सोच रहा हूँ, रोज यहाँ पे घर में आके रिहर्सल कर रहा हूँ, अलग अलग तरह के स्टंट्स या फिर नए नए स्टेप्स निकल रहा हूँ, क्योंकि मेरा वाइल्ड कार्ड में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लगता है जो भी मैंने खोया है, मतलब जो मुझे चाहिए था, मतलब और एपिसोड जाना है मुझे और लंबा जाना है, क्योंकि दिस इज द ओनली शो वेर हम परफॉर्म कर सकते हैं आफ्टर 35 एज के जो भी बंदे हैं या
या फिर कंटेस्टेंट है। तो मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए बहुत एक्चुअली एक्साइटेड हूँ, और मैं इस टाइम वाइल्ड कार्ड एंट्री में जाऊंगा और सेलेक्ट होके दिखाऊंगा। और जैसे मतलब हर्ष और भारती सर है, हर्ष सर और भारती मैम है, एक्चुअली वो भी बहुत स्वीट है, तो मुझे जाके वहां पे उनको भी दिखाना है। जब मैं एलिमिनेशन मेरा हुआ था तब हर्ष और भारती मैम वहां पे थे, तो उन्होंने एक्चुअली बोला था कि योगेश जी आप बहुत अच्छे डांसर हो, वाइल्ड कार्ड में पक्का ट्राई करना और हमें आपसे वापस से मिलना है, और आप वाइल्ड कार्ड में जैसे सेलेक्ट हो गए तो मुझे लगता है कि आप जाके विन हो सकते हो। तो ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी है, और वो भारती मैम भी खुद बोले थे कि अभी वापस जाके तुम्हें होटल में काम नहीं करना है, कि हमें आपको इसी स्टेज पे वापस देखना है। तो इसीलिए ये मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा, तो ये सब दिल में रख के मैं वापस से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वाइल्ड कार्ड में जाके वापस सेलेक्ट होकर। योगेश जी आप काफी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने जो आपके जनरेशन से जो बिलोंग करते हैं उनसे, लेकिन हर एक एज के लिए आप काफी काफी इंस्पिरेशन बने। तो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में क्या कुछ तो प्लानिंग है आपकी, आगे क्या करने वाले हैं? एक्चुअली मेरा ये ड्रीम था तो रियलिटी करना, जैसे सभी डांसर्स का होता है, और मुझे वहाँ पे सीखने को जो भी कुछ सीखने मिला है, तो मुझे लगता है कि जैसे ये रियलिटी शो खत्म होगा डांस दीवाने, मैं प्लान कर रहा हूँ कि मेरा खुद का एक डांस का स्कूल निकालू जहाँ पे मैं बच्चों को सिखाऊँ और अपनी तरफ से और बच्चे तैयार करूँ और रियलिटी शोज में भेजूँ। और मेरा सपना है कि मैं अगर मैं यहाँ से एक बंदा भी अच्छा तैयार करके वहां पे जाके वो विन होता है ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आगे जाके उनके माँ बाप के आंखों में जो वो सपना देखते हैं ना, तो वो अगर मैं कंप्लीट कर पाया तो मैं मेरा नसीब समझूंगा। ऑडिशंस के लिए मैं जाने वाला नहीं था, पर मेरी जो बीवी है एक्चुअली उसके वजह से मेरी ये डांसिंग जर्नी स्टार्ट हुई। उसने बताया था कि तुम अगर घर पे, मैं ऐसे उसके सामने गणपति डांस वगैरह करता था, तो वो बोलती थी कि अगर तू अच्छे से डांस क्लास लगाएगा तो अच्छा डांसर हो सकता है, नहीं क्या? तो उसके लिए मैंने, उसका ये ड्रीम था एक्चुअली कि मैं एक अच्छा डांसर बनूं, उनको सबको टीवी पे देखना था मुझे, इसलिए ये सब मैंने कर रहा है। पर जैसे मैं ऑडिशन स्टूडियो राउंड और मेगा ऑडिशन में सेलेक्ट हो गया, जैसे घर पे फोन किया तो बहुत बहुत मतलब मेरी बीवी इतनी खुश हो गई थी, वो तो मतलब फोन पे वो चिल्ला रही थी यार कि यार सेलेक्ट हो गए तो नहीं क्या। और अभी भी जैसे मैं एलिमिनेशन हुआ ना, फिर भी उतना वो दुखी नहीं है एक्चुअली। चीज हैप्पी कि मैं 10 एपिसोड करके आया हूँ टीवी पे, उसने देखा है मेहनत की, जो अभी तक मैंने मेहनत की उसका फल उसको मिल गया है, उसको लगता है मतलब मुझे। और वाइल्ड कार्ड के लिए भी वो मुझे बहुत अभी सपोर्ट कर रही है, रोज वो मेरी रिहर्सल ले रही है सामने बैठ के कि तुझे कैसे डांस करना है कैसे नहीं, उसने सब एपिसोड देखे मेरे। तो इसलिए मेरे घर वाले बहुत खुश है, मेरे आजू बाजू के एरिया में जो लोग हैं वो सब मतलब मेरे घर के बाहर टीवी रख के सब देखते थे मेरा एपिसोड, मैं जब मुंबई में था, वो सब आके मुझे यहाँ पे मिले, सबने कुछ ने मिठाई दी, किसी ने कुछ खाने को लाया मेरे लिए, अभी आम की पेटी एक जन ला के दी मुझे। तो मतलब ये सब चीजें हैं, बहुत लोगों का प्यार, इसके वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और मेरे घर वाले भी बहुत खुश है इस वजह से, मम्मी भी खुश है, मम्मी डैडी सब। थैंक यू सो मच योगेश जी हमारे साथ बहुत इंस्पायर के साथ जुड़ने के लिए। मैं अगर आपका कोई मैसेज है जो आप सारी आपके फैंस को देना चाहेंगे तो प्लीज बोल। मेरा एक ही मैसेज है कि आप जब तक अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते तब तक मेहनत कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि आज कल अपना सक्सेस जो है वो आपके पास जरूर आएगा। तो मेहनत करते रहिए, और अच्छा मतलब वो डांस या फिर किसी भी और फील्ड में रहो आप, वो मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे मुझे मिली आपको भी एक सक्सेस जरूर मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच डांस दीवाने टीम ऑल्सो, कि जिनके वजह से मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, और मैम आपके साथ भी मैंने आप पहली बार आपको मिला, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके भी।